हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले तो सॉरी कि मैं इतने दिनों से कोई ब्लॉग ही नहीं बना रही हूँ। मतलब जब एक बार ब्लॉग बनाना छूट जाता है तो वो समझो छूट ही जाता है। तो 10-12 दिन के बाद मैं ये फाइनली आज ब्लॉग बना रही हूँ। और ये ब्लॉग मैं मतलब ऐसे भी बनाना था, स्पेशल है थोड़ा। मैं इस ब्लॉग के बाद जो आएगा उस पर आपको पता चल जाएगा दूसरे वाले ब्लॉग में। तो आज हम ऐसे ही अभी मार्केट जा रहे हैं, कुछ कुछ सामान लेना था। और इसलिए भी मार्केट जा रही हूँ तो मैं ये ब्लॉग बनाने का पर्पस ये है कि एक व्यूअर ने मुझे पूछा था, कमेंट किया था कि क्या ओमान में जागरी मिलती है, मतलब देसी गुड़ मिलती है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, यहाँ पे मिल जाती है। मतलब इंडियन जितनी भी सारी खाने पीने की चीज़ें होती है जो आप घर पे पका के खा सकते हो, वो सारी चीज़ें ओमान में मिल जाती है। भले उसकी थोड़ी क्वालिटी आप जैसा खरीदते हो उसे थोड़ी डिफरेंट मिल जाए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में यही आपको इस गुड़ वाले काउंटर में ले आई हूँ और दिखा रही हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरह का बहुत सारा जागरी लगा हुआ है, जो कोई कोई गुड़ सफ़ेद दिखता है थोड़ा, कोई बहुत काला दिखता है। तो सब मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे जो अलग अलग ब्लॉक टाइप का रहता है वो है ये रेक्टेंगल शेप का, और ये गोल वाला जो पत्थर जैसा रहता है वो भी है, और पूरा मतलब इधर गुड़ का ही लगा हुआ है। तो मुझे अभी लेना नहीं था इसलिए मैं बस दिखा दे रही हूँ। और इधर पता नहीं ये सैलेड है शायद, तो मैं ऐसे ही ले रही थी। और फिर इधर हम लोग आ गए थे, ये चॉकलेट और डेट्स का काउंटर है। मतलब यहाँ पर इतनी वेराइटी की डेट्स मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। ये पूरा डेट्स ही डेट्स है, अलग से भी थोड़ा ड्राई डेट्स, या फिर जिसको थोड़ा गीला वाला मतलब सिरप में डाल के वैसा डेट्स। और यहाँ पे सिरप वगैरह भी मिलता है बच्चों को, जो देने में बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन शिविका तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है डेट्स, इसीलिए मैं नहीं लेती। और आज हम लोग इधर आए हैं, हम लोग को लेना था डेट्स इसीलिए। और ये सिरप है जो बच्चों को आप दूध में भी डाल के पिला सकते हो, लेकिन मैं नहीं लेती, बस मैं ये दिखा रही हूँ। और बस, और फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट देखा और वही टेस्ट कर रहे थे। एक दो यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो मतलब इधर का जो मेन चॉकलेट है वो यही सब है, आप टेस्ट कर कर के लो। और अगर आपको कितना लेना है तो केजी या हाफ ग्राम ऐसे करके अपना पैकेट बनवाना पड़ता है। तो वही हम लोग अभी चॉकलेट देख रहे थे और शिविका टेस्ट करके बता रही थी कि कौन सा अच्छा है। और बस हम लोग का शॉपिंग कंप्लीट हो गया और अभी ये बिलिंग करवा रहे हैं। शिविका एक एक करके उठा उठा के सामान दे रही है वो। और वो जब भी आती है तो अपना इधर से ही जितना भी उसको चॉकलेट, उसको ज़्यादा इधर के चॉकलेट पसंद नहीं है, वो जो अपना इंडिया में खाती है डेरी मिल्क या किट कैट, उसे यही सब पसंद है, तो वो अपना वही सब लेती है। बस हम लोग का हो गया और अब हम लोग घर जाने वाले हैं। जा रहे हैं तो शिविका यहाँ पर थोड़ा मस्ती कर रही है ऐसे ही बाहर में निकल के। ये वीडियो मैं 25 जनवरी को बना रही हूँ और कल हमारा गणतंत्र दिवस है इंडिया का। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो मेरा 26 जनवरी को मैं अपलोड करूंगी, इसलिए आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और बस अब हम लोग घर आ गए थे और ये वीडियो अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पे न्यू आए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।